हाय गाइस, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। मैं हूँ रीना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक जादू का पिटारा। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र। और इसके अंदर मैंने बनाए हैं ढेर सारे पॉकेट्स। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर भी पॉकेट है और अंदर भी ढेर सारे पॉकेट हैं और यहाँ नीचे भी मैंने एक और पॉकेट बनाया है। आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीक़ों से इसका यूज़ कर सकते हैं, एज अ मेकअप ऑर्गेनाइज़र, एज अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र या फिर अंडरगारमेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी शादी होने वाली है, शादी होने वाली नहीं है, अगर हो भी चुकी है तब भी आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है अपनी अलमारी में इस तरह का ऑर्गेनाइज़र। तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैंने आपसे शेयर किया है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। और हाँ फ्रेंड्स, इसे आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, आपके पास कोई भी ब्लाउज पीस है तो उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई भी दुपट्टा है या फिर कोई भी साड़ी है तो उसके फैब्रिक का यूज़ करके आप इसे बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है वो भी इजीली आपको घर में मिल जाएगा। तो अब पूरा वीडियो देखें और इसे कैसे बनाना है जानें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिया है नॉन वुवन। अगर आपके पास नॉन वुवन नहीं है तो आप इस तरह की जो शॉपिंग बैग आती है उसका यूज़ कर सकते हैं, ये भी नॉन वुवन से ही बनी हुई होती है। तो ये जो नॉन वुवन का पीस है उसका मेज़रमेंट है 12x6 इंच। तो इस तरह से आपको 12x6 इंच का नॉन वुवन लेना है और उसी के साइज से एक फैब्रिक लेना है। तो ये मैंने इसी के साइज़ से एक फैब्रिक लिया है और सेम इसी तरह से मैंने नॉन वुवन का सेम मेज़रमेंट का एक और पार्ट लिया है और उसी साइज़ का मैंने फैब्रिक लिया है। अब मैं स्टिच करके इन दोनों को अटैच कर लूँगी। तो ये हमने दोनों को इस तरह से अटैच कर लिया है साइड में सिलाई करके। अब मैं ये जो हमारे यहाँ पर 6 इंच था तो उसी के साइज़ की 2 ज़िप लूँगी। तो ये हमारी 6 इंच की 2 ज़िप हैं। अब ज़िप को हमें क्या करना है कि यहाँ पर दोनों राइट साइड फेस करते हुए फैब्रिक और ज़िप को हम यहाँ पर ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। और सेम इसी तरह से ये जो सेकंड ज़िप है उसे हम यहाँ पर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अब ज़िप को यहाँ पर इस तरह से अटैच करने के बाद हम इस तरह से इसे टर्न करेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम ऊपर एक प्रेस स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर प्रेस स्टिच कर ली है। अब जो ये हमारा दूसरा हिस्सा है उसे हम लेंगे और उसे हम यहाँ पर ज़िप के साथ यहाँ पर अटैच कर लेंगे और यहाँ से भी हम यहाँ पर इस तरह से हम ज़िप के साथ इसे अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से ज़िप को यहाँ पर दोनों साइड अटैच कर लिया। अब इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ ऊपर भी प्रेस स्टिच कर लेंगे दोनों साइड। तो ये मैंने प्रेस स्टिच कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो ज़िप वाला एरिया है वहाँ से हम इसे इस तरह से 1/2 इंच जितना अंदर की साइड पुश करेंगे और यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे हाथों से। तो ये इस तरह से दिखेगा। अब हम यहाँ पर दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों साइड से सिलाई कर ली है और यहाँ पर मैंने डबल सिलाई कर ली है, साइड में भी एक सिलाई कर ली है ताकि इसके थ्रेड बाहर ना आए और जो भी एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट करके इस तरह से फिनिशिंग दे दी है। अब हम यहाँ से ज़िप को ओपन करेंगे और इसे हम राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो देखिए, ये हमने इसे टर्न कर लिया है, अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं। तो दोनों साइड से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसे मिडल से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकालते हुए हम यहाँ पर चौक से मार्क कर लेंगे। अब ये जो हमने मार्क किया है वहाँ पर हम एक सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से सिलाई कर ली है। अब इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारे 2 पॉकेट रेडी हो चुके। इसी तरह से हमें और टोटल ये 6 पॉकेट बनाने हैं। तो ये मैंने और भी 2 पॉकेट रेडी कर लिए हैं। तो ये हमारे टोटल इस तरह से 6 पॉकेट रेडी है। तो आपको इस तरह के ये जो हमने पीस लिए थे उस तरह के 6 पीस लेने हैं और ये 6 इंच की 6 आपको ज़िप लेनी है।
तो ये देखिए, ये हमारे इस तरह के टोटल 6 पॉकेट बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम जो बाहर का बेस रखने वाले हैं, मेन फैब्रिक है, वो लेना है हमें। मैंने यहाँ पर फोम लिया है और ये नॉन वुवेन है। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप यहाँ पर डबल नॉन वुवेन का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब नए कपड़े शॉप करते हैं तो उसके अंदर इस तरह के छोटे छोटे फोम की सीट आती हैं, तो आप उसका यूज़ करके भी इसे बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से आड़ी और सीधी लाइनें सिलाई करके क्विल्ट बना लेंगे। तो देखिए, ये मैंने इसके अंदर सिलाई करके इस तरह से क्विल्ट बना लिए हैं। मैं इसका आपको मेज़रमेंट बता दूं तो इसका मेज़रमेंट है यहाँ से ये 17 इंच और ये यहाँ से है 7 इंच। अब इसी के साइज़ का हमें एक और नॉन वुवेन कट कर लेना है। आप यहाँ पर सिंपल अस्तर भी यूज़ कर सकते हैं फैब्रिक का, और इसी के साइज़ का मैं एक और फैब्रिक भी कट कर लूँगी। अब इन दोनों को हम सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो ये हमने अटैच कर लिया है। अगर आप इस फैब्रिक की जगह पर कोई भी आपका सिल्क या फिर कॉटन का बनारसी सिल्क का दुपट्टा यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये नॉन वुवेन की पहले कटिंग करें और उसके हिसाब से इस फैब्रिक को लीजिए। इस फैब्रिक को आप एक्स्ट्रा लीजिए और यहाँ पर देखिए, सिलाई करके अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बचता है उसे आप इस तरह से कट कर लीजिए। तो इस तरह से आपका प्रॉपर मेज़रमेंट आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड से 1.5 इंच पर मार्क करना है और इसे हम इस तरह से सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमने इसे इस तरह से कट कर लिया है। अब हम 7 इंच की जिप लेंगे क्योंकि ये 7 इंच है, और जिप को हमें यहाँ उल्टा रखना है और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसे हम इस तरह से टर्न करेंगे और इस हिस्से को भी यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने जिप को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर इसे हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ ऊपर भी प्रेस स्टिच कर लेंगे, और सेम इसी तरह से देखिए, हमें सेकंड साइड भी 1.5 इंचेस पर कट करके जिप अटैच कर लेनी है। तो ये हमारा जिप दोनों साइड लग चुका है। अब इस तरह से हम इसे फोल्ड करके यहाँ पर मिडल में इसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ पर हम चौक से मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसे भी हम सीधी लाइन में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें सेकंड साइड भी इसी तरह से 1 इंच पर मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसे हम ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ये वाला, उसके साथ यहाँ पर ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम चारों साइड सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका भी हमें यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसका सेंटर निकाल लेना है इस तरह से। अब हमें ये पॉकेट लेने हैं और इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करके इसका यहाँ पर सेंटर निकाल लेंगे जहाँ पर कि हमने सिलाई की थी। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा मेन सेंटर है इसे इस सेंटर के साथ इस तरह से रखेंगे, सेट करेंगे और यहाँ पर हम ऊपर सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। और इसी तरह से हम सेकंड पॉकेट को लेंगे और उसका भी सेंटर निकाल के हम यहाँ पर मिडल में इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि सबकी जिप ये एक ही साइड आनी चाहिए, एक की इस तरफ और एक की इस तरफ, इस तरह से अटैच नहीं करना है। और ये थर्ड लाइन पर हम ये थर्ड पॉकेट को अटैच कर लेंगे। तो ये हमने सारे पॉकेट को इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी लाइन खींची हुई थी उसके ऊपर ये हमारा सेंटर एकदम हमें देखना है, और यहाँ पर भी मिडल में हमने सेंटर पॉइंट मार्क किया था तो उसके ऊपर हमारा सेंटर आना चाहिए। तो उस तरह से ये मैंने देखिए सारे पॉकेट को अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरह का एक बॉर्डर लेना है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 19 इंच और इसकी चौड़ाई है वो मैंने ली है 4 इंच। और इसके अंदर भी यहाँ पर देखिए मैंने फोम और नीचे नॉन वुवेन लगाया है, ऊपर फैब्रिक है, और इस तरह से यहाँ पर सिलाई करके इसे मैंने अटैच कर लिया है। अब इसी के साइज़ की 19 इंच की एक हमें जिप लेनी है। यहाँ पर देखिए मैंने ये रनर ऐड कर लिया है। अब इसके सेकंड साइड से भी मैं रनर को यहाँ पर ऐड कर लूँगी। रनर ऐड करना बहुत ही ईजी है, आप इस तरह से इसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
तो ये देखिए हमने दोनों साइड से रनर को ऐड कर लिया है। और इस तरह की जिप आपको बहुत ही इजीली किसी भी टेलरिंग मटेरियल से स्कोप से मिल जाएगी और ये ओनली 5 रुपीज़ पर मीटर मिलती है। तो यहाँ से अब हम सीधा यहाँ पर सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने जिप को अटैच कर लिया है। अब इस तरह से इसे हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम सीधी सिलाई ऊपर करके प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी प्रेस स्टिच भी हो चुकी है। अब इसे हम फोल्ड करके यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सेकंड साइड भी इसमें मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी हमें इसे फोल्ड करके दोनों साइड मार्क कर लेना है या फिर आप कट भी लगा सकते हैं और इस तरह से सेंटर निकाल लेना है। अब ये जो हमारा रेडी हिस्सा है उसे भी हम लेंगे और उसे भी हम फोल्ड करके इस तरह से इसका सेंटर निकालेंगे। इसी तरह से यहाँ सेकंड साइड भी कर लेंगे और यहाँ से मिडल में भी इसका सेंटर निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर और यहाँ नीचे की साइड भी इसी तरह से हम कर लेंगे। अब यहाँ पर मिडल में जो हमने सेंटर लगाया था उसके साथ ये बॉर्डर में जो हमने मिडल में सेंटर लगाया था उसे सेट करना है इस तरह से। और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। यहाँ ऊपर की साइड भी इसी तरह से हम यहाँ पर जो मिडल में सेंटर है उसके साथ इसे सेट करेंगे। तो ये देखिए हमने जो भी सेंटर लगाए थे वहाँ पर हमने पिन लगाकर इसे सिक्योर कर लिया है। अब हम यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे साइड से। ये जो मिडल है उसे पकड़ कर हम इस तरह से यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ ऊपर सभी जगह पर हम सिलाई कर लेंगे ऊपर नीचे। तो ये देखिए हमने सिलाई करके इसे इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हमें 2 इंच चौड़ाई की एक स्ट्रिप लेनी है इस तरह की और लगभग 15 इंच जितनी ये लंबी चाहिए हमें। आप 1.5 इंच की भी ले सकते हैं। तो इस स्ट्रिप को हमें इस तरह से यहाँ पर हल्का सा फोल्ड करके पकड़ना है और आप यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करें इसे। यहाँ से सिलाई करके हम इसे अटैच करते जाएंगे और ये हमें पूरे में अटैच कर लेनी है। तो देखिए ये इस तरह से हमें पूरे में ये स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करना है हमें और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने किया है। अगर आपसे ये इजीली नहीं हो रहा है तो आप इसे ओपन करके भी यहाँ पर कर सकते हैं तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। यहाँ ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर पाइपिंग पूरे में कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हैंडल भी लगा सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको एक स्ट्रिप अटैच कर लेनी है या तो फिर आप यहाँ पर साइड में भी अटैच कर सकते हैं यहाँ पर स्ट्रिप को। जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ पर अपने हिसाब से हैंडल लगा सकते हैं। देखिए हमने यहाँ ऊपर एक पॉकेट बनाई है और यहाँ नीचे हमारे पूरे 6 पॉकेट है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे भी हमने एक पॉकेट बनाया है। तो आप अपने तरीके से इसमें जो भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है और काफ़ी सारे पॉकेट है। बहुत ही अच्छे से आप इसके अंदर अपनी ज्वेलरी या फिर अपने मेकअप टूल्स हैं या फिर मेकअप आइटम्स हैं या फिर कोई भी मेडिसिन अगर आप रखना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर अपने अंडरगारमेंट्स हैं तो उसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर ये जो फैब्रिक यूज़ किया है उसकी जगह पर आप ट्रांसपेरेंट सीट का भी यूज़ कर सकते हैं तो इसके अंदर ईजिली आपको पता चलेगा कि आपने क्या रखा है। सो फ्रेंड्स ये है हमारा जादू का पिटारा। जैसे चाहे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही इजी मेथड से समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे ज़रूर बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और इसे शेयर करना मत भूलना। और आपको हमारे सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे और वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय भारत।